बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में जिला पुलिस की सफलता। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस और जिला उत्पाद विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इनमें शराब पीने और बेचने वाले दोनों हैं। कोर्ट में पेशी के बाद सबको जेल भेजा गया। पूरे मामले को लेकर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में निर्देश दिया है कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करें और इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिनमें 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं उत्पाद विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले द्वारा सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया गया कि अवैध शराब जो है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। तो इस स्पेशल ड्राइव में सभी थानों से लगभग 200 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनके साथ में शराब भी मिली है और कुछ अन्य लोग जो दूसरे केसेस में थे उनको जेल भेजा गया है। थैंक यू। ये प्रक्रिया आगे भी चलने वाली है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी? ये स्पेशल ड्राइव थे, पुलिस की लगातार ड्राइव चल रही है और जिसमें पिछले कई दिनों से कई लोग जेल भेजे जा गए थे। कल स्पेशल ड्राइव में सभी थाना क्षेत्रों को लगाया गया था एक साथ,